खबर मैनपुरी से है, जहां बरनाहाल ब्लॉक के शीत नहर के चलते ग्रामीणों ने बर्फ जमने के कारण फसलों में भारी नुकसान होने की संभावना की बात कही है, जिसमें एक किसान अपनी फसल को मंच बनाकर अपनी फसल की रखवाली कर रहा था, तो उसने मीडिया के रिपोर्टर से बात करते हुए अपने मुखरविंद से फसल नष्ट होने की वही दुख भरे शब्दों में उत्तर प्रदेश सरकार से फसल नष्ट होने की झोली फैलाकर भीख मांगते हुए कहा कि सरकार हमारी इसमें मदद करे। हमारी फसल को जानवर तो नष्ट कर ही रहे, परंतु प्रकृति ने भी अपना रुख मोड़ लिया है। गेहूं, चना, लहसुन, आलू, मटर जैसी फसलों को नष्ट होने की बात कही। वहीं किसान ने जलेब सिंह निवासी डालूपुर ब्लॉक बरनहाल ने सरकार से झोली फैलाकर मदद की गुहार लगाई है, और राहगीरों ने भी सर्दी तेज होने के कारण जो जगह जगह बर्फ जमी दिखाई दी है। राहगीरों के चलते समय समय से लोगों को सर्दी की वजह से दिक्कतें और बढ़ गई हैं। वहीं ब्लॉक के कई ग्रामीण ने सर्दी तेज होने के बारे में भी अपनी अपनी बात कही है। ये है कि प्रकृति से जो नुकसान हो रहा है वो तो हो ही रहा है, परंतु आप देख रहे हैं कि इधर जानवर भी किसानों का काफ़ी नुकसान कर रहे हैं, और आलू की फसल है खड़ी हुई है, उसको देखो किस तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं। और हम देख सकते हैं एक किसान भी रास्ते से जा रहे हैं, हम उनसे भी थोड़ी बात करेंगे। फिलहाल में जी क्या नाम है जी आपका? हरदेश कुमार जी। हरदेश कुमार। अच्छा, गांव कौन सा आपका? डालूपुर। ये बताइए, आज जो सर्दी पड़ी हुई है और आप देख रहे हैं अभी जानवर निकल के गए हैं, ये तो नुकसान पहुंचा ही रहे हैं, परंतु प्रकृति ने भी रुख मोड़ लिया है अपना, और उससे भी काफ़ी नुकसान फसलों को दिख रहा है। क्या कहेंगे इसके बारे में, जो आज वो बर्फ़ पड़ी हुई है, बर्फ़ जमी हुई जगह जगह? बहुत बर्फ़ पड़ी है, जैसे सूर्य पड़ा था बर्फ़ पिघलने लगी है, दो घंटे पहले बहुत बर्फ़ पड़ी थी, और जैसे जैसे सूर्य बढ़ा आगे किन किन फसलों को नुकसान दिख रहा है? इसमें आलू को बहुत नुकसान है। अच्छा, जैसे गेहूं, चना, मटर या जो फसलें अन्य हैं उनमें भी कैसा नुकसान दिख रहा है? उनमें भी नुकसान दिखाएगा, जो फसलें भरी हुई उनमें नुकसान कम होगा। सरकार से क्या मदद चाहते हैं आप? सरकार से मदद चाहते हैं भाई, इसकी व्यवस्था करें और लाइट अच्छी चले। लाइट भी नहीं चल रही। लाइट की कैसी है? लाइट भी कम चल रही है, पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रही है लाइट। कितने घंटे लाइट चल रही है? 6-7 घंटे मिल रही है। आलू की फसल और जो फसल की सिंचाई चल रही है वो कैसे हो पा रही है? वो कैसे हो पा रही है? लाइट सुबह 7 बजे दे देते, फिर 12 बजे काट देते, फिर उसके बाद आती नहीं है। सुबह आदमी ठंड में कहाँ से पानी लगाए। तो बिजली के बारे में आप क्या कहेंगे? बिजली की भाई, बिजली व्यवस्था अच्छी की जाए, सरकार से हमारा यही कहना है। देखिए, किसान ये भी हैं और अपनी फसल को देखने के लिए आए हुए हैं, और लगभग काफ़ी ज़मीन में लहसुन गड़ा हुआ है, इनका लहसुन की फसल है, और इनसे भी थोड़ी बात पूछते हैं आज के बारे में, जो आज सर्दी पड़ी हुई है, काफ़ी तेज़ सर्दी पड़ी हुई है, जगह जगह तुषार जमा हुआ है। उसके बाद क्या नाम है जी आपका? राजकुमार यादव। अच्छा, गाँव कौन सा आपका? नगला भोपाल। जिला कौन सा पड़ता है? मैनपुरी। मैनपुरी में आज ज़्यादातर देखने को मिल रहा है, कुछ लोगों से बातचीत भी हमने की है किसानों से, तो उसमें बताया जा रहा है कि सर्दी काफ़ी पड़ी हुई है, इससे बर्फ़ जमी हुई है जगह जगह, आज तापमान 3 डिग्री सेल्सियस के लगभग रहा है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप फसलों के बारे में? देखिए, नुकसान तो आलू है, सरसों है, गेहूँ है, और कोहरे के ज़्यादा भारी मात्रा में परत पर जमा हुआ है, तो नुकसान तो भारी मात्रा में। किन किन फसलों में नुकसान हुआ है लगभग? जी, सबसे ज़्यादा तो आलू में ही नुकसान ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा सरसों है, तो इन चीज़ों में नुकसान तो खैर, जैसे गेहूं, चना, जौ, मटर है, इसमें क्या कैसा नुकसान दिख रहा है? इसमें भी भारी मात्रा में नुकसान ही है। सरकार से क्या मदद चाहते हैं आप? सरकार से यही चाहते हैं किसानों के बारे में इनकी सहायता, हेल्प करें भाई, सहायता तो जरूरी है, और किसान के पास रह किया जाएगा। आपने लहसुन की फसल कितनी की है लगभग? लहसुन है 15 बीघा लहसुन है। आलू कितना है लगभग? आलू है 50-60 बीघा है हमसे, तो उसमें भी काफी नुकसान हुआ होगा। भारी मात्रा में नुकसान है। क्या नाम है आपका? मोनू। कहाँ से आप हैं? इटावा से। आप इतनी सर्दी में, आज बर्फ भी काफ़ी तेज रही है, पड़ी हुई है, तो ऐसी ठंड में कहाँ गए थे, किस जगह? मैं घर जा रहा हूँ यार, रिश्तेदारी में आया था मैं। अच्छा, आज जो सर्दी पड़ी है उसके बारे में क्या कहेंगे? अब क्या कहेंगे, हम तो कुछ नहीं कहेंगे, सर्दी तो पड़ी रही है बहुत तेज। क्या आपको दिख रहा है किसानों की फसल में नुकसान पहुँच रहा है? नुकसान किन किन फसलों में नुकसान दिख रहा है? आलुओं में है, चना में है, सब में नुकसान है।
क्या नाम है आपका? रामजीलाल। रामजीलाल, हाँ। अपना पूरा परिचय बताएं। डालूपुर मैनपुरी बरनाल। अच्छा, ये आज जो सर्दी काफी पड़ी हुई है, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सर्दी क्या, बर्फ ही पड़ गई। बर्फ देखो लोग, कैसी बर्फ चल रही है। जम गए, जम्मू कश्मीर हो गई। तो आपको आज कैसा फील हो रहा है? जो काफी कतरे जा रहे, इतनी ठंड, बर्फबारी पड़ गई आज तो बहुत ज्यादा, जबरदस्त चल रहा है। सब जगह बर्फ हो गई, देखो कैसी बर्फ चल रही है। देखो सब जगह, देखो आनंद जी महाराज। अरे इतना कंबल ओढ़े हुए हैं, टोपा लगाए हुए हैं, क्या है ये क्यों लगाए हुए इतना, ये कंबल ओढ़े हुए हैं? अरे जमी गो चार अंगूर। जी जी, क्या जम गया है, क्या जम गया? चार जम गया। चलो बर्फ जमी गई। तो सुनिए, तो सुनिए सुनिए, इधर सुनिए। हाँ कहना जी जी, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आज जो सर्दी काफ़ी तेज रही है, तो आज बर्फ भी जमी हुई है काफ़ी जगह जगह, तो इसके बारे में फसलों को भी नुकसान हुआ है, जैसे चना, आलू, मटर, लहसुन, सरसों, गेहूं, आज फसलों को नुकसान हुआ है, तो इसमें तुषार पड़ने से क्या ज़्यादा नुकसान हो सकता है फसलों को? सबसे ज़्यादा आलू को नुकसान हो रहा, रेहरा को। अच्छा अच्छा, तो अब इसके बारे में कुछ सरकार से आप मदद मांगना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? वो कुछ देना चाहे तो गवर्नमेंट दे सकती है भाई। प्रकृति से पार तो नहीं पाया है किसी ने, लेकिन परंतु फिर भी किसानों को जो नुकसान हो रहे हैं फसलों में, उसके बारे में सरकार से क्या मदद चाहते हैं? कुछ लाभ भी मिलना चाहिए किसानों को। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।